शिक्षक के बेटे मयंक का यूपीएससी में हुआ चयन, दूसरी बार मिली सफलता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन कर दी बधाई। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोनिया खुर्द गांव के रहने वाले शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र के पुत्र मयंक मिश्रा ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। मयंक मिश्रा ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा पास की है, इसमें उन्होंने ऑल इंडिया में 228वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा मयंक ने पहले ही यूपीएससी परीक्षा पास किया है, जिसके तहत अभी वह मुरादाबाद में डीएसपी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मयंक मिश्रा की इस उपलब्धि को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मयंक के पिता को फोन के माध्यम से उन्हें बधाई दी है। बता दें, जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र के रहने वाले शारदा प्रसाद मिश्रा के पुत्र मयंक मिश्रा ने जारी हुई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए जिले के गौरव को बढ़ाया है। इसमें उन्होंने ऑल इंडिया की रैंकिंग में 228वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद अब उनके परिवारजनों सहित समूचे रीवा जिले में हर्ष का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि मयंक ने अपने शिक्षक पिता से प्रेरणा लेकर इस मुकाम को हासिल किया है। इसके अलावा पूर्व में भी मयंक ने यूपीएससी की परीक्षा पास करते हुए सबको चौंका दिया था। इसके तहत अब वह यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डीएसपी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बचपन से ही मयंक पढ़ने में काफी अव्वल थे। पांचवी क्लास में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिया, जिसमें उन्होंने तहसील में टॉप किया था। 6 से लेकर 10वीं कक्षा तक उन्होंने नवोदय विद्यालय रीवा से पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई और आईआईटी की तैयारी के लिए भोपाल चले गए। इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने अपने खर्च के लिए बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए कैंपस सिलेक्शन के दम पर दुबई की एक निजी कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। मगर 3 साल तक दुबई में नौकरी करने के बाद उन्होंने दुबई की नौकरी को ठुकरा कर अपने देश में कुछ करने की ठानी। इस पर अब दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा देते हुए मयंक ने ऑल इंडिया में 228वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद उन्हें बधाई देने के लिए गांव भर से लोग उनके घर पहुंचे। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी मयंक मिश्रा के पिता को फोन कर उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। प्रसाद मिश्रा, बेटे ने एक बड़ी सफलता हासिल की, क्या कहेंगे इस बारे में? बेटे शुरू से ही मेरा काफी माने होनहार रहा और प्रारंभिक शिक्षा उसकी शारदा देवी मेमोरियल से हुई। पाँचवीं के बाद छठवीं में उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया और दसवीं तक वहाँ पढ़ा। इसके बाद 11वीं जो है भोपाल से किया और वहीं से आईआईटी की जो है कोचिंग किया और इसके बाद एनआईटी भोपाल से बीटेक किया और इसके बाद वो सिविल सेवा की तैयारी करने बाजीराव अकेडमी दिल्ली में और प्रथम प्रयास में यूपीपीसीएस में डीएसपी के पद पर चयन होकर के वर्तमान समय में मुरादाबाद में प्रशिक्षणरत है और साथ ही साथ वो अपना सिविल सेवा की तैयारी में लगा रहा और कठिन परिश्रम के बावजूद आज उसको ये सफलता मिली। पिता होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? पिता होने के नाते मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ और उसके इस सफलता से मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे सभी शुभचिंतक, इष्ट मित्र, रिश्तेदार काफ़ी प्रसन्नचित हैं। बेटे, क्या कठिनाइयाँ आती थी, क्योंकि आप एक शिक्षक के साथ एक छोटे से गांव से हैं? जी, कठिनाइयाँ तो बहुत थी क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था और मेरे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन बेटा एक अच्छी लगन और मितव्ययिता के साथ उसने अपना स्टेज चालू किया और ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें पैसे की दिक्कत है उसको पढ़ाने लिखाने में। वो अपने हिसाब से जो है और घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए यही संदेश है कि उससे प्रेरणा लें। हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो जो अन्य बच्चे हैं जिनको सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधा का उपयोग करें और उसके आदर्शों पर, उसके मेहनत को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट और